आज हम जानेंगे दुनिया के ऐसे लीडर जिन्होंने अपने देश के लिए दूसरे देश में जाकर सेना तैयार की और तख्ता पलट किया। उनके लीडरशिप, हाई विजन और जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस, हाई मोरल, ब्रेव और बोल्ड एटीट्यूड जैसे हथियारों ने दुनिया में हिंदुस्तान का टंका बजाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का नई इन्फोड्डा में। लेट्स प्रारंभ। फ्रेंड्स, हमें आज़ादी कई अनगिनत रियल सुपर हीरोज के बलिदानों से मिली है, इसलिए बयां करना संभव है। आइए देखें एक छोटी सी झलक। चलना होगा हमें आज से लगभग 120 साल पहले, जब हिंदुस्तान अंग्रेजों की धोखे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अपनी इच्छा अनुसार घूमना फिरना तो दूर, बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, खान पान, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे बहुत से अधिकारों से यह लोग हमें हमारे ही देश में बहुत दूर करते जा रहे थे। अंग्रेज हमारी सभी बहुमूल्य वस्तुओं, प्राकृतिक संसाधनों, आविष्कारों को अपना बना रहे थे, साथ ही स्कूल कॉलेजों में भी अपना ही पाठ पढ़ा रहे थे, रियल एंशंट इंडियन हिस्ट्री पर मिट्टी डाल रहे थे। सीधे कहें तो वसुदेव कुटुंबकम मानने वाले देश को लूट रहे थे, चेहरे पर कई नकाब ओढ़कर। समय आया 23 जनवरी 1897 और हिंदुस्तान को मिला एक ऐसा लीडर जो अंग्रेजों की पूरी तरह से वाट लगाकर उन्हें देश से खदेड़ने के लिए ही जन्मे थे, कटक उड़ीसा में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और उनके सोचे समझे बेहतरीन एक्सपेरिमेंट्स की। उनके पिता जानकीनाथ बोस, जो कि पेशे से वकील थे, और उनकी माता प्रभावती बोस। नन्हे बोस बचपन से ही पढ़ने में रुचि रखते और बहुत होशियार थे। उनकी शिक्षा यूरोपियन स्कूल कटक से, जो कि अब स्टुअर्ट स्कूल है, इसके बाद रेविनशॉ स्कूल कटक, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा। वे पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा करते और गरीबों की सहायता भी करते। फिर प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में आते ही प्रोफेसर ई एफ ओटन को यह खटकने लगे। ऐसा ब्रिलियंट इंडियन स्टूडेंट देख चकरा गए। मिस्टर ओटन बच्चों में भेदभाव के लिए प्रसिद्ध थे। वे बोस से बार बार भिड़ते, लेकिन एक बार बुरी तरह कूटे गए सभी स्टूडेंट द्वारा, क्योंकि इस बार बोस कॉलेज के युवा नेता थे, हेड ऑफ स्टूडेंट काउंसिल। उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया उनके नेशनलिस्ट और एक्टिविस्ट रूप को देखकर। वे हमेशा कहते, गलत पर समझौता नहीं करना और सही पर डटे रहना। कम समय में ही चीज़ों को परख लेना उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। फादर साहब की एडवाइस पर उन्होंने ICS यानी इम्पीरियल सिविल सर्विस या इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी की और एग्ज़ाम के लिए लंदन चले गए। यही एक तरीका था अंग्रेज़ों को करीब से समझने का। उनकी फोर्थ रैंक देख पूरा लंदन हिल गया। यहाँ भारत में क्रूरता और गुलामी बढ़ती जा रही थी। 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट आदि, यह सब देख 26 वर्षीय युवा बोस का खून खौल उठा और जान गए कि ICS ज्वाइन करना देश को और बड़ी गुलामी की ओर धकेलना है। 1921 में उन्होंने रिज़ाइन किया और यह खबर जंगल की आग समान हिंदुस्तान में फैल गई। शिप द्वारा मुंबई आए बोस को देखने हजारों लोग आ पहुँचे। वे लोकप्रिय होने लगे। एक ICS की नौकरी त्यागने पर इतने लोगों का समर्थन देख बोस दंग रह गए। अब वे पूरी तरह समझ चुके थे कि देश को एकजुट कर अंग्रेजों को खदेड़ा और भगाया जा सकता है। यह एक बड़े और रियल लीडर की खासियत होती है कि वह प्रेजेंट को भांपते हुए फ्यूचर की परिस्थितियों को पहचान लेते हैं, लॉन्ग विजन एबिलिटी और उन पर एक्शन। बोस सभी नेताओं से मिलने लगे और असहयोग आंदोलन से जुड़े। वे गांधी जी से प्रभावित हुए और INC इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी जुड़े। साथ ही देशबंधु चितरंजन दास के साथ कार्य करते गए और उन्हें अपना पॉलिटिकल गुरु बना बैठे। 1929 आते कांग्रेस एकजुट थी, मजबूत थी आपसी सहमति और विचारों द्वारा, लेकिन मिलिट्री वाइज अभी भी बहुत बड़ा अभाव था और ये गोरे बोली नहीं बल्कि गोली की भाषा ही जानते थे। नरम दल के नेताओं की बोली द्वारा कंडीशनल इंडिपेंडेंस या डोमिनियन ऑफ इंडिया को मंजूरी दी जा रही थी, परंतु बोस के गरम दल इसके खिलाफ थे। वे समझ चुके थे अंग्रेजों की इस शतरंज की चाल को। 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन, जो कि पूर्ण स्वराज की मांग थी, बोस द्वारा इस पर सुलह हुई और सभी दल आपसी तालमेल से राजी हुए और 31 दिसंबर 1929 को पहली बार राष्ट्र ध्वज को रावी नदी लाहौर पर फहराया गया। बोस का प्रभाव अब तेजी से बढ़ रहा था।
वे दिन पर दिन और भी ज़्यादा लोकप्रिय और चहेते होते जा रहे थे। सभी उनसे पूर्ण रूप से प्रभावित थे, लेकिन बदले में अंग्रेजों ने भारतीयों में फूट डालो, शासन करो नीति पर जोर और तरह तरह के तरीकों पर काम शुरू किया। इसी बीच जेल में बोस काफ़ी बीमार हुए और इलाज के लिए ऑस्ट्रिया जाना पड़ा, और अंग्रेजों ने इसका खर्च भी उनके परिवार के सिर ही फोड़ा। ऑस्ट्रिया में भी वह देश के समर्थन में कार्य करते हुए 1937 में एमिली सेंकल से विवाह सूत्र में बंध गए। एमिली ऑस्ट्रो जर्मन थी। 29 जनवरी 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस के राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव भारी मतों से जीत गए बोस, परंतु गांधी जी की प्रार्थना आवेदन की वजह से बोस जी ने पद को समर्पित कर हाथ जोड़कर इस्तीफा दे दिया। लोगों में इसका आक्रोश था और बोस जानते थे कि स्वतंत्रता के लिए नरम दल भी जरूरी है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा ने अपनी किताब मेरा जिया हुआ युग में त्रिपुरी अधिवेशन का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि त्रिपुरी सम्मेलन में बोस को सुनने लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग उपस्थित थे। बोस का डंका पूरे देश में बज चुका था और यहीं से शुरुआत हुई अंग्रेजों से सीधे भिड़ंत की। उन्हीं के रूप में बोस द्वारा 22 जून 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। नई पार्टी बनाए जाने पर अब अंग्रेज समझ गए कि कुछ बड़ा होने वाला है। पूरे राष्ट्र उनके समर्थन में आ गया। उनके खिलाफ साजिश की गई, उन्हें कई बार जेल भेजा गया, उन पर कड़े पहरे लगाए गए, और समय आया सबसे बड़ी बगावत का। छुपते छुपाते बोस अपने एल्गिन रोड घर कलकत्ता से 17 जनवरी 1941 की रात अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से धनबाद और फिर पेशावर होते हुए अफगानिस्तान से जर्मनी पहुँचे और नाम बदला जियाउद्दीन। शिशिर जी ने अपनी किताब द ग्रेट एस्केप में बयां किया, मई 1942 में हिटलर के कई डुप्लीकेट में से असली को पहचानकर बोस ने हिटलर को चौंका दिया। उनकी बेटी अनीता बोस बताती हैं कि हिटलर से मिलने में उन्हें काफ़ी समय लगा। बोस द्वारा हिटलर को अंग्रेजों के बारे में बताना ही मदद के लिए काफ़ी था। वर्ल्ड वॉर वन में हारने की वजह से जर्मनी ब्रिटिश के खिलाफ जाने को तैयार था। बोस हिटलर द्वारा बनाए गए लगभग 4000 भारतीय युद्धबंदी सैनिकों से मिले जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से वर्ल्ड वॉर वन में लड़े थे। साथ ही जापान और इटली का साथ भी मिला। भारतीय बोस को जर्मनी में देशहित पर भाषण देते देख सभी सैनिक आग बबूला हो गए, जोश में आ गए और अंग्रेजों से भिड़ने को तैयार थे। हिटलर ने ऐसा लीडर पहले कभी नहीं देखा था और उन्होंने बोस को रियल लीडर यानी नेताजी का टाइटल भी दिया, और साथ में अपनी 87 मीटर लंबी जर्मन U-180 सबमरीन भी दी, जिससे वह लगभग 90 दिनों में सुमात्रा इंडोनेशिया पहुंचे, जिस पर जापान का कब्जा था। वहां से प्लेन से टोक्यो पहुंचे और जापान के सहयोग से 1942 में अंग्रेजों द्वारा कब्जाए सिंगापुर पर आक्रमण कर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लगभग 45,000 भारतीय सैनिक को साथ मिला। रास बिहारी बोस और साथी अफसरों द्वारा ट्रेनिंग शुरू हुई और जन्मी आज़ाद हिंद फौज। नेताजी का राष्ट्र प्रेम जादू यूं ही चलता रहा और आज़ाद हिंद फौज बढ़ती गई। उधर भारत में भी गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज़ ऐलान कर दिया और अंग्रेजों के कानों तक भी यह नारा सुनाई देने लगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सिंगापुर म्यांमार को जीतने में मदद करने पर जापान ने भारत को अंडमान और निकोबार उपहार में दिए। यहीं आज़ाद हिंद फौज की पूरी तैयारी हुई और इंडियन नेशनल आर्मी ने एक विराट रूप लिया। महिलाओं की रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड के साथ बहुत से वॉलंटियर जुड़े। हमारे बड़े दादाजी श्री कुंवर सिंह नेगी जी भी और अन्य पूरे भारत से अंग्रेजों पर प्लान करते और आक्रमण करते चले गए। बर्मा के रास्ते भारत ने पहला राष्ट्रीय ध्वज मणिपुर में फहराया अप्रैल 1944 में। 18 अगस्त 1945 को नेताजी जापानीज बॉम्बर में वियतनाम से बैठे और अब तक यह मिस्ट्री बनी हुई है क्योंकि बहुत सी बातें छुपाई गई। सभी भारतीय लोगों में और ब्रिटिश के अधीन तीनों सेनाओं ने भी आंतरिक विद्रोह किया अंग्रेजों को जान बचाने के लिए। आखिरकार भारत को 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से आज़ाद करना पड़ा। अमर हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अमर हैं वे सारे वीर जो आज़ादी के लिए विद्रोह में कूदे। इसीलिए राजधानी दिल्ली में नेताजी का स्टैचू बहुत ज़रूरी है। देर आए दुरुस्त आए। सभी रियल सुपर हीरोज़ को श्रद्धांजलि अर्पण।
जय सुभाष, जय हिंद। इसी प्रकार विश्व प्रसिद्ध क्रांति योद्धाओं और भारतीय ऐतिहासिक जानकारी के लिए जुड़ जाएं नेगी द इन्फो डा से। एज यूजुअल, कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड, स्टे इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भद्र विशाल।